ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में WT4099 वर्ल्ड टेक कंपनी की तरफ से आने वाला एम्पलीफायर है। ये जो आप सर्किट देख रहे हो, ये एनालॉग सर्किट नहीं है जो नॉर्मली दिखता है हर एम्पलीफायर में। ये डिजिटल सर्किट है और ये एम्पलीफायर 2 ओम्स पर चैनल डबल वॉइस कॉइल भी चला सकता है। 4 सबवूफर्स, अकेला 4 सबवूफर्स चला सकता है। आप इसको एज अ 4 चैनल एम्पलीफायर भी यूज़ कर सकते हो और एज अ मोनो एम्पलीफायर भी यूज़ कर सकते हो। ये डबल हो गया इसका लगभग, मतलब इसकी जो पावर है वो 2 ये वाले मॉडल्स के बराबर है, या जो नॉर्मल 4 चैनल एम्पलीफायर आते हैं वो इसी वाली स्पेसिफिकेशन में आते हैं। तो इस वाले एम्पलीफायर की, जबकि ये इतना छोटा है साइज़ में और देखने में बहुत मतलब प्रीमियम सा लगता है, स्पेसिफिकेशंस इससे बहुत अलग हैं। ओके, ये एम्पलीफायर फ्रेंड्स मोनो या 4 चैनल दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसकी पावर रेटिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। इतने कॉम्पैक्ट साइज़ में भी ये 2 4 चैनल एम्पलीफायर के बराबर पावर देता है। फ्रेंड्स, इसका वेट जो है वो 1770 ग्राम्स है केवल, जो कि एक 1200 वाट के एम्पलीफायर के अकॉर्डिंग बहुत कम है। 1200 वाट के एम्पलीफायर का 4 से 5 किलो वेट होता है जनरली। कंप्लीट डिटेल्स के लिए फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में मत छोड़ना। पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। वेल्कम बैक फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में ये वर्ल्डटेक का मेरे पास नया मॉडल आया है। ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज़ में है और बहुत हैवी, लगभग 2 4 चैनल के बराबर है एम्पलीफायर ये। तो इसकी अनबॉक्सिंग और इसकी टेस्टिंग भी करेंगे हम इसके ऊपर पूरा लोड डाल के। तो WT4099.4 एम्पलीफायर 2022, ISO 9001 एंड ASBC, ये 2 सर्टिफिकेट्स हैं इस कंपनी के पास। 1 ईयर नेशन वाइड वारंटी। ओपन करके देखते हैं तो इस तरीके से हमें मिलता है। तो कुछ ज़्यादा ही छोटा लग रहा है तो मेरे को, यूज़र मैनुअल अभी देखते हैं इसको भी। सबसे पहले हम एम्पलीफायर का डिज़ाइन देखते हैं कैसा है। वारंटी कार्ड है तो ये आप देख सकते हैं साइज़ इसका कितना छोटा साइज़ है। ये मेरा फ़ोन है, फ़ोन से थोड़ा सा ही बड़ा है ये। बाकी मैं आपको मेज़रमेंट करके भी दिखा देता हूँ। 9.75 लेंथ, 4.75 विड्थ एंड 2 इंच हाइट। तो बहुत ही छोटा सा एम्पलीफायर है फ़ोन के कंपैरिजन में। अगर आप देखो बॉक्स में, इसका हटा देता हूँ फिलहाल कि अच्छा खासा भारी है। वेट भी करके देखेंगे अभी वेट कितना है इसका। गेन HPF LPF फुल, HPF एंड LPF फ्रीक्वेंसी। तो अभी इसका हम चेक करते हैं पावर इसकी कितनी है। 150 वॉट इंटू 4, यानी कि 4 ओम्स पर 150 RMS पर चैनल, 2 ओम्स पर 300 RMS पर चैनल और 4 ओम्स पर ही 600 RMS ब्रिज मोड पर 4 ओम्स पर। एक और 4 चैनल यहाँ पे रखा हुआ है मेरे पास वर्ल्डटेक का ही, तो इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो मॉडल है WT4071, इसकी पावर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कंपेयर करने के लिए। इसका साइज़ 11 इंच है, लेंथ विड्थ इसकी लगभग आप 7.5 इंच मान के चलिए और हाइट वही 2 इंचेस।
ये आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं साइज का, ये आप देख सकते हैं कितना फ़र्क है साइज़ का दोनों में। अगर मैं दोनों को साथ साथ रख दूं, ये इससे काफ़ी छोटा है, लेकिन इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो बहुत अलग हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोनों एम्पलीफायर की स्पेसिफिकेशंस में डिफरेंस। 4 ओम पर नीचे वाला जो है ये 4071, ये 4 ओम पर 80 RMS पर चैनल है, 2 ओम पर 120 RMS पर चैनल है, ब्रिज मोड पर 4 ओम्स पर 240 RMS इंटू 2 है। और ये जो है WT4099, इससे इतना कॉम्पैक्ट साइज़ का है, इसमें 150 RMS 4 चैनल 4 ओम्स पर है, 300 RMS 4 चैनल 2 ओम्स पर है, 600 RMS 4 ओम्स पर ब्रिज मोड पर ब्रिज मोड पर है। तो ये डबल हो गया इसका लगभग, मतलब इसकी जो पावर है वो 2 ये वाले मॉडल्स के बराबर है, या जो नॉर्मल 4 चैनल एम्पलीफायर आते हैं वो इसी वाली स्पेसिफिकेशन में आते हैं। तो इस वाले एम्पलीफायर की, जबकि ये इतना छोटा है साइज़ में और देखने में बहुत मतलब प्रीमियम सा लगता है, स्पेसिफिकेशंस इससे बहुत अलग हैं। फ्रेंड्स, टेस्टिंग कर लेते हैं अब हम इस एम्पलीफायर की। तो ये 135 mm की डबल मैग्नेट पर 12 इंच का सबवूफर है, 300 RMS का सिंगल वॉइस कॉइल। तो ये हमने इस एम्पलीफायर में चैनल 3 और चैनल 4 पे लगाया है, 4 ओम्स पे 2 सबवूफर सेम कॉन्फ़िगरेशन के हैं दोनों, LPF मोड पे लगाए हैं हमने। और ये कोएक्सियल स्पीकर्स हैं 4, तो ये हमने 2-2 को पैरेलल कर लिया है, तो 2-2 ओम पे आ गए हैं। चैनल 1 और चैनल 2 पे ये हमने 2 और 2 लगाए हैं। तो ये HPF मोड पे हाई पास फिल्टर, तो HPF मोड हाई पास फिल्टर जो होता है वो स्पीकर्स के लिए होता है, आपको पता ही होगा। LPF मोड होता है सबवूफर्स के लिए, लो पास। तो फ्रेंड्स, हम इस पे हमने अभी 60-60 RMS के कंपोनेंट्स लगाए हैं, इनकी जगह हम इसके ऊपर 8 150 RMS के कंपोनेंट्स चला सकते हैं, या कोएक्सियल या कंपोनेंट्स, कोई से भी स्पीकर्स, वो हम 8 पीसेस चला सकते हैं 150 RMS ईच, जो हाई एंड यूज़ करते हैं लोग। या फिर हम इसके चारों चैनलों पे डबल वॉइस कॉइल वाले जो सबवूफर्स आते हैं पायनियर के या किसी भी ब्रांड के, JBL के, वो भी डबल वॉइस कॉइल वाले भी हम इसके ऊपर 4 चला सकते थे 2 ओम्स पर, वो भी इजीली चलते।
तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा किस तरीके का इसका परफॉर्मेंस है, दो फोर चैनल एम्पलीफायर के बराबर पावर है इस अकेले एम्पलीफायर की, और बिल्कुल हीट नहीं होता ये। कभी आप लोग ये सोच रहे हो हीट हुआ है, ये बिल्कुल कोई टेम्परेचर भी चेंज नहीं है इसका इतने में भी। रीज़न वही है कि ये अलग टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, डिजिटल एम्पलीफायर है ये। फ्रेंड्स आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट्स कर दीजिएगा कैसा लगा आपको एम्पलीफायर और वीडियो, और कोई भी आपकी क्वेरीज हो आप कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बिल्कुल भी, और मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है सब कुछ। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आप परचेज़ करना चाहते हो उसको, तो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और व्हाट्सएप पर ही मेरे को मैसेज करना या जिस भी आप लिंक से करना चाहते हो, कॉल मत करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।